दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ एक प्लेन एंड सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। और इसी स्ट्रैटेजी पे हम कैसे काम करेंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूंगा, तो प्रॉपरली नोट करके रखिए। देखिए, मैंने यहाँ पे निफ्टी का स्पॉट का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके रखा है। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखो, जो ट्रेंड है, ट्रेंड प्रॉपर पॉजिटिव डिरेक्शन पे जा रहा है। तो हम अगर निफ्टी के अंदर काम करेंगे, मैंने ये स्पॉट चार्ट के ऊपर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे काम दे रहा है। आप इसको ऑप्शन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ऑप्शन के अंदर कैसे अप्लाई करोगे, जब इस पे सेलिंग सिग्नल मिलेगा तो आप पुट को बाय करके जा सकते हो, और जब इस पे बाइंग के ऊपर सिग्नल मिलेगा तो आप कॉल साइड पे बाय करके जा सकते हो, और आप इसमें फ्यूचर के अंदर बाइंग सेलिंग कर सकते हो। लेकिन मैंने ये सारे डिटेल्स मैंने स्पॉट चार्ट के ऊपर आप लोगों को डिटेल्स शेयर करूंगा, तो इसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस चैनल पे मैंने जो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, अभी मैंने डिसाइड किया है एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो इस चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा। तो अगर आप अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे कैसे काम करेंगे उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए पहला पॉइंट ये है, हमको 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न है, 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हमको एंट्री लेना है। और इस पे कैसे स्टॉप लॉस एंड टारगेट यूज करेंगे उसके लिए मैंने एटीआर वैल्यू का मदद लिया है। तो आप सिंपल ये स्टडीज के अंदर जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे एवरेज ट्रू रेंज, एटीआर मतलब एवरेज ट्रू रेंज। तो एक दिन के अंदर या एक कुछ मिनट अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो मिनट के अंदर कितना मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है उसके बारे में एटीआर वैल्यू बताता है। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज टू रेंज को ऐड करके रखोगे तो ये 15 मिनट के हिसाब से ऑन एंड एवरेज मार्केट कितना मूवमेंट देता है उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे देखो हमको दिखाएगा। तो ये एटीआर का वैल्यू राइट साइड पे ये प्राइस दिखा रहा है, मैंने देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 85 के आसपास लिख के दिखा रहा है। तो जो भी एटीआर वैल्यू हमको दिखाएगा वो एटीआर वैल्यू पे 1.5 हमको मल्टीप्लाई करना है, तो उतना हो गया हमारा स्टॉप लॉस। मतलब हम जो भी एंट्री करेंगे, सोचो 80 के आसपास एटीआर वैल्यू है, उस पे अगर 1.5 आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 120। तो 120 पॉइंट के आसपास हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। और हम जितना भी इस पे स्टॉप लॉस लेके जाएंगे उसका डबल हम टारगेट के हिसाब से लेके जाएंगे। तो ये स्पॉट चार्ट के हिसाब से मैंने बता रहा हूँ, आप इस सिंपल प्रोसेस को फ्यूचर या ऑप्शन के अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको स्पॉट चार्ट को फॉलो करना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमको जो अभी भी एंट्री आएगा मैं आपको बताऊंगा एंट्री कैसे लेना है। हमको जो स्टॉप लॉस लेके जाना है एंट्री आने के बाद, एटीआर वैल्यू के हिसाब से जो भी एटीआर वैल्यू रहेगा, एटीआर वैल्यू के हिसाब से उस पे 1.5 हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम स्टॉप लॉस के हिसाब से लेके जाएंगे और उसका डबल हमारा टारगेट रहेगा। और दोस्तों, इस पे हमको और एक चीज यूज करना है, सेंट्रल पाइवट रेंज। तो मैंने सेंट्रल पाइवट रेंज को भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये चीजें आप नोट करके रख लीजिए। तो देखिए, हमको अभी तीन चीजें नोट करके रखना है। 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न हमको फॉलो करना है, सेकेंड पे एटीआर वैल्यू को लेना है, और थर्ड पे हमको सेंट्रल पाइवट रेंज को यूज करके हमको इस पे काम करना है। तो ये जो प्रोसेस हम अप्लाई करके काम करेंगे, मार्केट जिस डिरेक्शन पे सिग्नल दे रहा है उसका ऑपोजिट डिरेक्शन पे हम पोजीशन लेके इस पे काम करने वाले हैं। तो थोड़ा कंट्रा डिरेक्शनल होके इस पे हमको काम करना पड़ेगा, और इस पे प्रॉपर हमको सक्सेस मिल रहा है। मैं सितंबर महीना का स्टार्टिंग से आपको ये रिजल्ट दिखाने वाला हूं। तो मैंने एक एक करके सितंबर फर्स्ट से, तो देखिए यहाँ पे सितंबर ये सेकंड है, सितंबर महीना से हम इसको कैसे अप्लाई करके काम करेंगे मैं आपको डिटेल्स पे शेयर कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो। तो इस पे देखिए, हमको एंट्री कैसे करना है, हमको एक चीज देखना है, एंट्री करने से पहले जब मार्केट खुलेगा 9:15 के आसपास जब मार्केट हमारा ओपन हो जाएगा, हमको ये चेक करना है उसी दिन का जो सेंट्रल पाइवट रेंज है
वो उसका प्रीवियस ट्रेडिंग डे का सेंट्रल पाइवट रेंज से ऊपर आके ट्रेड कर रहा है या इससे नीचे आके ट्रेड कर रहा है। जनरली ये जो मिडिल लाइन है, ये मिडिल लाइन को हम देखेंगे कि ये मिडिल लाइन से ऊपर मार्केट काम कर रहा है या मिडिल लाइन से नीचे मार्केट काम कर रहा है। तो देखिए 2 सितंबर को मिडिल लाइन से ऊपर मार्केट काम कर रहा है। अगर मिडिल लाइन से ऊपर मार्केट काम कर रहा है उसका मतलब क्या है? सेंट्रल पाइवट रेंज के हिसाब से हमको एक सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको थोड़ा कंट्रा डिरेक्शनल होके काम करना पड़ेगा। तो ये दिखा रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा सेंट्रल पाइवट रेंज के हिसाब से, लेकिन हम सेलिंग का वेट करेंगे और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम उसको देखना पड़ेगा। तो देखिए सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हमको कैसे देखना है, हम ये 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम कर रहा हूँ, 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से किसी भी कैंडल अगर उसकी प्रीवियस कैंडल का लो से नीचे आके क्लोजिंग दे देगा तो अभी हम उस पे सेलिंग के ऊपर पोजीशन बना के जाएंगे। तो ये देखिए अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से मार्केट जो ट्रेड कर रहा है, ये देखिए इसका प्रीवियस ट्रेडिंग डे का प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग है उससे ऊपर की तरफ ही आके क्लोजिंग हो रहा है, उससे उसका लो से नीचे क्लोजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन ये लेवल के आसपास 11:30 से 11:45 ये जो कैंडल फॉर्म किया, ये कैंडल देखो इसका प्रीवियस ट्रेडिंग डे का प्रीवियस क्लोजिंग का जो कैंडल है इससे नीचे आके ये क्लोजिंग हुआ है। तो इसी कैंडल का क्लोजिंग पे हमारा एंट्री रहेगा और हमको स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का लेके जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमको एटीआर वैल्यू को देखना है, तो एटीआर वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, जो एटीआर वैल्यू आ रहा है ये 26 के आसपास दिखा रहा है। तो जो भी एटीआर वैल्यू रहेगा, मैंने आपको बताया था 1.5 उस पर मल्टीप्लाई करके काम करना है, तो 26 × 1.5 मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पे उस पर मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। तो देखो 26 पे अगर आप 1.5 मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इस पे आ रहा है जो वैल्यू 39। तो 39 के आसपास हम इस पे हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएंगे, मतलब ये लेवल के आसपास हम एंट्री किए 25,298 लेवल के आसपास। तो 25,298 लेवल के आसपास हम इस पे एंट्री किए और 39 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर 39 पॉइंट ऊपर की तरफ कैलकुलेट करके देखोगे 25,337 लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। तो 25,337 जो लेवल है ये देखो ये लेवल के आसपास, तो हम ये लेवल के आसपास एंट्री किए हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस इसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखो इसी दिन हमारा जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। तो हम टारगेट कितना लेके जाएंगे, टारगेट 78 पॉइंट के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। तो मैंने और एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 25,298 − 78, तो 25,220 लेवल के आसपास जनरली हम इस पे टारगेट लेके जा रहे हैं। तो 25,220 जो लेवल है ये किसी लेवल के आसपास आ रहा है, मैं लाइन के हिसाब से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। 25,220 जो लेवल है ये देखो ये लेवल के आसपास 220 का लेवल आ रहा है। तो इसी दिन देखो हुआ क्या, हम इसी लेवल के आसपास एंट्री करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया था, लेकिन ये टारगेट के आसपास नहीं आया है, टारगेट से पहले ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया क्योंकि ये सेंट्रल पाइवट रेंज लेवल के आसपास आ गया है। तो देखो सेंट्रल पाइवट रेंज के आसपास आने के बाद इसके ऊपर की तरफ आया है, फिर भी अगर आप इस पे पूरा 315 तक होल्ड रखते हो आप एंट्री करने के बाद, 25,280 लेवल के आसपास आप इस पे एग्जिट करोगे, तो इस पे देखो मार्केट रिवर्स होने के बाद भी आपको 18 पॉइंट के आसपास इस पे आपको आराम से प्रॉफिट मिलेगा। तो ये देखो ये सेलिंग के ऊपर मैंने आपको बताया कि सेलिंग के ऊपर हम कब प्रोसेस करेंगे, कब पोजिशन बनाएंगे। तो चलिए एक बार बाइंग के ऊपर देख लेते हैं कि बाइंग के ऊपर हमको कब इस पे प्रोसेस करना है या पोजीशन बनाना है, उसके बाद मैंने आपको एक एक करके पूरा दिन का रिजल्ट शेयर करूंगा। ये देखो ये दिन हमारा बाइंग एक्टिवेट हुआ है, बाइंग कैसे एक्टिवेट होगा हमको कैसे पता चलेगा, सेंट्रल पाइवट रेंज को हमको देखना है, सेंट्रल पाइवट रेंज का जो मिडिल लाइन है और ये जो ट्रेडिंग सेशन है ये देखो ये मिडिल लाइन उससे नीचे ही ट्रेड किया है, नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल के आसपास हमको बाइंग के ऊपर पोजीशन लेके जाना है। तो बाइंग के ऊपर पोजीशन लेने के लिए ऐसे ही हमको देखना पड़ेगा किसी भी 15 मिनट का कैंडल उसका प्रीवियस 15 मिनट कैंडल से
ऊपर आके क्लोजिंग देना चाहिए। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल देखो उसका प्रीवियस कैंडल का ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। तो देखिए हम इसी लेवल के आसपास एंट्री करेंगे और हमको स्टॉप लॉस कितना लेके जाना है, मैंने आपको बताया है एटीआर का जो वैल्यू दिखाएगा, एटीआर वैल्यू ये लेवल के आसपास कितना आ रहा है ये कैंडल का क्लोजिंग पे, ये देखो 34-35 लेवल के आसपास ये देखो क्लोजिंग हुआ है। इसी लेवल के आसपास जो वैल्यू दिखा रहा है वो 34 के आसपास। तो यहाँ पे अगर 34 वैल्यू के हिसाब से आप देखोगे इंटू टू अगर आप करोगे, 34 इंटू टू मतलब 70 पॉइंट के आसपास हमको इस पे स्टॉप लॉस लेके जाना है। और जो टारगेट रहेगा इंटू टू करेंगे तो 140 के आसपास हमको इस पे टारगेट लेके जाना है। तो देखो हम एंट्री किए हैं 25,127 लेवल के आसपास, 25,127 लेवल के आसपास हम इस पे एंट्री किए हैं। तो हमको जो स्टॉप लॉस लेके जाना है 25,057 लेवल के आसपास हमको इस पे स्टॉप लॉस लेके जाना है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 25,057 मतलब ये लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखो इसी लेवल के आसपास हम इस पे स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं और ये लेवल के आसपास हम एंट्री किए हैं। तो देखो हमारा स्टॉप लॉस ये लेवल के आसपास आया नहीं है, तो हम जो टारगेट लेके जा रहे हैं कितना टारगेट लेके हमको जाना पड़ेगा, 25,127 पे हम एंट्री किए हैं प्लस अगर 140 करेंगे हमारा टारगेट 25,267 लेवल के आसपास रहेगा। तो 25,267 अगर आप देखोगे, ये देखो 25,267 ये इसी लेवल के आसपास आ रहा है, ठीक है ये लेवल के आसपास। लेकिन ये 25,267 इसी दिन ये टारगेट आया नहीं है, अगर आप 315 पे इस पे एग्जिट करोगे तो आप किसी लेवल के आसपास एग्जिट करोगे, 25,210 लेवल के आसपास आप इस पे एग्जिट करोगे। तो 25,210 अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, हम एंट्री किए थे 25,127 पे, तो आपको कितना पॉइंट का प्रॉफिट इस पे मिला, 83 पॉइंट के आसपास आप इस पे प्रॉफिट कमाओगे। तो अभी मैंने आपके साथ कैसे आप एंट्री करोगे बाइंग साइड पे और कैसे आप एंट्री करोगे सेलिंग साइड पे, ये दोनों मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने आपको अभी थोड़ा ओवरव्यू अभी दे देता हूं। अगर आप ये सेम प्रोसेस ये सितंबर महीना से, मैं सितंबर महीना से दिखा रहा हूं, आप उसको बैक टेस्ट करके प्रॉपरली देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितना इसका एक्यूरेसी है। तो देखिए ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे, ये दिन मैंने एक एक करके कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं। अगर आप ये सितंबर थर्ड के हिसाब से देखोगे तो देखो ये दिन अगर आप देखोगे इस पे ऊपर की तरफ मार्केट, ये जो सेंट्रल पाइवट रेंज खुला है, तो आप सेलिंग साइड पे फोकस करके जाओगे सेलिंग साइड के हिसाब से, तो देखो इस पे हमको एंट्री ये लेवल के आसपास देखने के लिए मिला है। तो इस पे एंट्री आने के बाद मार्केट देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया है, तो अगर ऊपर की तरफ आएगा किसी लेवल के आसपास हम स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। तो 27 के आसपास एवरेज टू रेंज आ रहा है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 56 पॉइंट ऊपर की तरफ। तो देखिए 25,253 लेवल के आसपास हम इस पे एंट्री किए हैं, 25,253 लेवल के आसपास। अगर 56 पॉइंट ऊपर की तरफ देखेंगे तो 25,309 के आसपास। तो देखो ये दिन हमारा स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ है, लेकिन 315 के आसपास 276 पे हम ये पोजिशन को एग्जिट किए हैं, तो अराउंड इस पे 22 पॉइंट के आसपास ये दिन हमको ये लॉस देगा, क्योंकि ये लेवल के आसपास हम एंट्री किए और इसी लेवल के आसपास हमको पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आया है। लेकिन उसका इमीडिएट अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो देखो इस पे हमको बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये लेवल के आसपास ये दिन देखो ये नीचे की तरफ जाने की सिग्नल दे रहा है, लेकिन हम जो फोकस करेंगे ऊपर की तरफ। लेकिन ये दिन देखो हमको इस पे लॉस मिलेगा, तो अराउंड इस पे जो लॉस आएगा मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ, हम इस पे जो एंट्री करेंगे अराउंड 60 पॉइंट के आसपास हम इस पे स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। 25,193 पे एंट्री किए हैं, तो 133 लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखो ये लेवल के आसपास हमको ये दिन 60 पॉइंट के आसपास हमको लॉस लेके जाना पड़ेगा। लेकिन उसका इमीडिएट अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो देखो ये दिन ये सेंट्रल पाइवट रेंज ऊपर की तरफ खुला है, लेकिन इस पे हमको एंट्री देखो ये लेवल के आसपास मिल गया और इस पे जो स्टॉप लॉस हमको लेके जाना है, स्टॉप लॉस मैंने एक बार शेयर कर देता हूँ, इस पे हमको बड़ा प्रॉफिट देखो मिला है। तो ये लेवल के आसपास देखोगे 120 पॉइंट के आसपास, ये 40 इंटू 1.5 करेंगे तो 60 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो गया।
तो देखो मार्केट ये लेवल से ऊपर आया नहीं है और 120 पॉइंट हम टारगेट लेके जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो 25,060 के आसपास हम एंट्री किए हैं। अगर हम टारगेट देखेंगे 25,064 माइनस 120 देखेंगे तो 24,944 के आसपास, 25,944 देखो ये लेवल के आसपास आ गया, तो 120 पॉइंट के आसपास बड़ा प्रॉफिट ये दिन हमको ये देखने के लिए मिला है। तो ज्यादातर टाइम अगर आप देखोगे इस पे प्रॉफिट ही आ रहा है ये दिन। देखो ये सेंट्रल पिवट ट्रेंड्स नीचे की तरफ खुला है, हमारा एंट्री इसी लेवल के आसपास आ गया और एंट्री आने के बाद देखो मार्केट ऊपर ही ट्रेड किया है, तो ये दिन भी हमको प्रॉफिट मिला है। उसके बाद भी देखो ये सेंट्रल पिवट ट्रेंड्स नीचे ही खुला है, तो हम जो फोकस करेंगे ऊपर की तरफ, ये लेवल के आसपास देखो हमको एंट्री मिला है और एंट्री देखो आने के बाद उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, ये दिन भी टारगेट अचीव हुआ है। तो ज्यादातर टाइम अगर आप देखोगे इस पे हमको प्रॉफिट ही मिल रहा है, तो हम अगर इस पे फोकस करेंगे तो एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाएंगे। ये दिन देखो सेंट्रल पाइवट रेंज ऊपर की तरफ है, हम अगर एंट्री करेंगे सेलिंग साइड पे एंट्री करेंगे, सेलिंग हमको ये लेवल के आसपास मिला है, मिलने के बाद देखो मार्केट नीचे की तरफ आया है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी को आप प्रॉपरली फॉलो करके देखिए। अगर आपका कुछ भी डाउट्स आ रहा है आप मुझे चैट सेक्शन पे लिख के भेज सकते हो, कुछ भी अगर डाउट्स है तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है सबके साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए दोस्तों अगर आप ऐसे सेफ स्ट्रैटेजी सीख के काम करना चाहते हो, मेरे साथ खुद काम करना चाहते हो, तो देखो मेरे यहाँ पे जो ओटीएम सेलिंग स्ट्रैटेजी के अंदर जो काम कर रहा हूँ, तो देखो मैंने उसका रिजल्ट भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये देखो हर दिन का रिजल्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये 3 महीना का रिजल्ट मैंने पीएनएल स्टेटमेंट के साथ इसको पहले शेयर किया था। अभी ये कम्युनिटी टैब के अंदर ये सिर्फ रिजल्ट शेयर कर दिया है, आप इसको चेक कर सकते हो। देखो हर दिन उसका रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, तो आप काफी अच्छा ये काम दे रहा है, लेकिन ये मैंने पेड स्ट्रैटेजी के हिसाब से रखा है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी सीख के मेरे साथ खुद काम करना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे शेयर किया है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो।